हाय दोस्तों, स्वागत है आपका बीके वीवाई ऑनलाइन क्लासेस के चौथे अध्याय में, चौथे क्लास में। तो आज हम लोगों को देखना है व्हाट इज डाटा। ये हमने लिखा व्हाट इज डाटा। डाटा क्या है? अधिकतर लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि डाटा का मतलब क्या, डाटा क्या कहते हैं, डाटा किसे कहते हैं, डाटा क्या होता है। ये बहुत से लोगों को इस चीज को लेकर के प्रॉब्लम होता है। तो आज हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों के लिए हाजिर है, जिस क्वेश्चन का नाम व्हाट इज डाटा, डाटा क्या है। अगर हमें व्हाट इज डाटा कहना हो तो इसके बारे में बता सकते हैं कि डाटा इज एन इंफॉर्मेशन, डाटा इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पर्सन, एनी थिंग एंड मेनी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। डाटा इज एन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी थिंग, एनी पर्सन एंड मेनी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। आप एनी पर्सन और एनी थिंग को पहले भाग में रख सकते हैं। तो अगर हमें इसे जो है हिंदी में कहना हो तो डाटा इज एन इंफॉर्मेशन। डाटा एक प्रकार की सूचना है, डाटा एक प्रकार की सूचना है, ये हम लोग कह सकते हैं अबाउट एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के बारे में, एनी थिंग किसी भी चीज के बारे में, एंड मेनी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस अलग अलग स्थानों के बारे में। अगर हम लोग इसको देखने के लिए जाएं तो इसे हिंदी में और भी विस्तार से कह सकते हैं, या बहुत जगह पे कहा जाता है कि अव्यवस्थित सूचनाओं के समूह को डाटा कहते हैं। अव्यवस्थित सूचनाओं के समूह को डाटा कहते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी बात होती है, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा। तो इसके बारे में कह सकते हैं कि डाटा जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा। पहला जो होता है इसका नाम होता है टेक्सुअल डाटा, और दूसरा जो होता है इसको कहते हैं ग्राफिकल डाटा। टेक्सुअल डाटा और ग्राफिकल डाटा, डाटा के दो प्रकार होते हैं। अब हमें यह जानना है कि टेक्सुअल डाटा किसे कहते हैं और ग्राफिकल डाटा किसे कहते हैं। टेक्सुअल डाटा, जितने भी डाटा टेक्स्ट यानी कि अक्षर के रूप में लिखे जाते हैं उन सभी डाटाओं को टेक्सुअल डाटा कहते हैं। अक्षर के रूप में जितने भी डाटा लिखे जाते हैं उन सब डाटाओं को टेक्सुअल डाटा कहते हैं। और टेक्सुअल डाटा जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पहला अल्फाबेटिकल और दूसरा नोमेरिकल। अल्फाबेटिकल को अगर देखेंगे तो ए नंबर जो आता है अल्फाबेटिकल डाटा होता है, जो कि ए से लेकर के जेड तक, यानी इससे मिलकर के बना हुआ होता है, ए से लेकर के जेड तक मिलकर के बना हुआ होता है। और दूसरा इसमें आता है टेक्सुअल डाटा का जो दूसरा प्रकार आता है, इसको हम लोग नोमेरिकल कहते हैं, नोमेरिकल डाटा। तो नोमेरिकल डाटा को भी देखेंगे तो ये जीरो से लेकर के 9 तक, यानी 0 to 9 इससे मिलकर के जितने भी डाटा लिखे जाते हैं उनको नोमेरिकल डाटा कहते हैं। और ग्राफिकल डाटा के बारे में आएंगे तो हम कह सकते हैं कि टेक्सुअल डाटा को छोड़ करके बाकी जितने भी डाटा होते हैं उन सभी डाटाओं को हम लोग ग्राफिकल डाटा कहते हैं। जैसे कि कोई फोटो, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, या ऑडियो के रूप में आपको कोई भी चीज हो, MP3 है ना, या कोई मूवीज हो गया, आप वीडियो के रूप में इसे कह सकते हैं। तो इन सभी को हम लोग कहते हैं EDC, हम कर देते हैं, यानी इन दो को छोड़ करके अल्फाबेटिकल और नोमेरिकल डाटा को छोड़ करके जितने भी डाटा होते हैं
फोटो ऑडियो वीडियो या इस प्रकार से कोई भी चीज रखा गया हो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, वो सब जो है डाटा कहलाएगा और ये ग्राफिकल डाटा के अंतर्गत में आते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई पूछे कि डाटा किसे कहते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि हमारे द्वारा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी चीज सेव करके रखा जाता है या रखा जाता है उसे हम लोग डाटा कहते हैं। जैसे कुछ आपने लिख करके सेव किया है या कुछ आपने जो है बना करके सेव किया है या कोई फोटो रखा है, कोई वीडियो रखा है, कोई MP3 रखा है, किसी सॉफ्टवेयर को आपने कॉपी करके रखा है, इन सभी को हम लोग डाटा के नाम से जानते हैं। तो मिलते हैं इसके बाद फिर BKVY ऑनलाइन क्लासेस के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।